तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हूँ अपने विशाखापट्टनम के होटल रूम में और ऊपर से ऐसा नज़ारा दिखता है। फिर हम करते हैं होटल से चेकआउट क्योंकि हम यहाँ दोबारा नहीं आने वाले। और होटल के नीचे वाली शॉप से इडली खाकर हम निकल जाते हैं सीमांचल के लिए। फिर हम निकल चुके थे सीमांचल के लिए और हमें बताया गया कि सीमांचल बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो हम सोचते हैं कि रास्ता ही इंजॉय किया जाए क्योंकि यहाँ के रास्ते भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन रास्ता भी हम कितना इंजॉय कर लेते इसलिए हम बोर होने लगे थे, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे नज़ारा और भी अच्छा होते जा रहा था, इसलिए हमें फिर से मज़ा आने लगता है। और थोड़ा और चलने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं सीमांचल मंदिर। और यहां बहुत ही ज्यादा भीड़ थी यार। और फिर हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं और इसके अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाता हूँ मेरे से कैमरा बंद करवा दिया जाता है, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। और फिर हम दर्शन कर बाहर आ जाते हैं और फिर से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें कुछ पीने को मिलता है जिसे हम सब पीते हैं। पता नहीं ये क्या था पर इसका टेस्ट ठीक ठाक ही था, उतना भी खास कुछ नहीं था ये। और हालांकि मंदिर के अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, लेकिन मंदिर के बाहर से तो आपको मैं मंदिर दिखा ही सकता हूँ। तो देखिए ये है वो मंदिर, और इस मंदिर के आसपास का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था यार। जागो रे, देखो रे, और पास में ही एक और मंदिर था जिसमें हम चले जाते हैं, और इस मंदिर से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है। काफी सही जगह है यार ये, और ऐसे नज़ारे में मुझे खाने को मिलता है ये अमरूद, हालांकि इसे हमारे यहाँ बीही बोलते हैं। फिर यहाँ से हनुमान जी को जय श्री राम बोलकर हम निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और हम फिर से इन रास्तों का मजा लेने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद इस टोल को क्रॉस करने के बाद हमारा सामना होता है इस भीड़ से, लेकिन हमें उससे क्या, हम तो कैलाशगिरी पहुंच चुके थे। और यहां भी बहुत ज्यादा भीड़ थी यार। फिर मुझे दिखती है ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति, तो मैं उसके पास जाने लगता हूँ। और यहाँ ऊपर से तो बीच भी दिखता है, और आप एक बार इस लड़की की हरकतें देखिए। फिर थोड़ा और घूमने के बाद हम वहां से निकल जाते हैं बालाजी मंदिर के लिए। और यहाँ ऊपर आने के बाद यहाँ से तो पूरा सिटी दिखता है, तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ भी मुझसे कैमरा बंद करवा दिया जाता है, लेकिन मैं इस मंदिर का भी बाहर से वीडियो बना लेता हूँ। फिर हम यहाँ से चले जाते हैं ऋषिकोंडा बीच के लिए। फिर थोड़ा चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं बीच पे, और यहाँ कुछ लोग गाना गा रहे थे जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और
और यहाँ कुछ लोग इस बच्चे का बर्थडे भी मना रहे हैं। और ये देखिए, इस बाहुबली थाली को आधे घंटे में खाने पर आपको मिलेगा 1,00,000 रुपए। फिर हम यहाँ से निकलकर आ जाते हैं स्मार्ट पार्क, जिसमें हमें ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है इसलिए हम उसके अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन हम यहाँ भुट्टा जरूर लेते हैं। फिर हम शहर को देखते हुए निकल जाते हैं काली मंदिर के लिए। और ये रहा काली मंदिर, जो कि आर के बीच के सामने ही है, जिसे भी मैं सिर्फ दूर से ही शूट कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं था। फिर हम आ जाते हैं फिश पोर्ट पर और हम इसके अंदर आते हैं। और देखिए यहाँ पर कितनी सारी मछलियाँ हैं। और इसके बगल में है ये पोर्ट, जहाँ पर इंटरनेशनल बोट्स आती हैं। देखिए यहाँ पर मछलियों को प्रिजर्व करके रखने के लिए कितनी सारी बर्फ लाई गई है। और जरा एक बार इन मछलियों का साइज देखो यार। तो अब हमारे ट्रेन का टाइम हो चुका था, इसलिए हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। तो चलिए मैं चलता हूँ वापस। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।